एमएसएमई लोन को हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। अभी लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एमएसएमई का ये 3 लाख करोड़ का पैकेज आया और उसमें किन किन को लोन का ये मिलेगा। तो उसमें बहुत से लोगों की इंक्वायरी आई थी कि सर जिनका लोन नहीं है उनके लिए कैसे होगा और एमएसएमई लोन कैसे अप्लाई हो। तो इसमें सभी का सोल्यूशन है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास और आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका नया बिज़नेस है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है, दोनों चीज़ों में काम करेगा। और यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है एमएसएमई की। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल पे आना है आपको, गूगल पे लिखना है उदय मित्रा, ठीक है। उदय मित्रा लिखने के बाद आपके पास ये वेबसाइट खुलेगी udaymitra.in, अप्लाई फॉर एमएसएमई लोन, ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एमएसएमई लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन एंड मुद्रा लोन सभी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह भी देख सकते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस का आपको चेक करना है तो उसकी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम ये पेज पे आएंगे, हम सीधा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमको अप्लाई हियर पे करना है। अप्लाई हियर पे यहाँ पे आपको अपनी नीड डालनी, कितना आपको लोन की रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है लोन की वो डाल दीजिए, उस हिसाब से आपकी यहाँ पे स्कीम आ जाएगी। आप तरुण में आ रहे, किशोर में आ रहे, शिशु में आ रहे, वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे एप्लीकेंट आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है, नाम, एड्रेस वगैरह सारे कॉलम, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, यूज़र नेम वगैरह सब, ठीक है। ये सब एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है फटाफट, अपना पिन कोड, सिटी कोड, ठीक है। अब ये देखिए यूज़र नेम में जो एरर आया हमारा, यहाँ पे कह रहा है द यूज़र नेम मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लोअर केस चैटर और डिजिट स्पेशल सिंबल अंडर स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स यूज़ करने हैं वो सारे लोअर केस में यूज़ करने हैं, कैपिटल कुछ यूज़ नहीं करना। यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल वर्ड यूज़ करके दो दो बार ट्राई किया तो ये एरर आया था। तो यहाँ पे आपको लोअर वर्ड यूज़ करना है, लोअर वर्ड का मतलब स्मॉल लेटर, बड़े में कुछ यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने अमित में ए कैपिटल लगाया तो उसको मेरे को ए हटाना पड़ेगा यहाँ से, देखिए कितने बार भी ट्राई कर लूँगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको ए भी हम स्मॉल कर देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्मॉल करके उसके बाद ये करेंगे हम, उसके बाद ये चीज़ें हमारा एरर हट गया। एरर हटने के बाद रजिस्टर्ड कर दे के साथ आपके पास ऐसा कुछ ओपन होगा तो एरर समझिएगा मत, इसको एडवांस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसीड टू अनसेफ, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में होता है कई बार, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये मुद्रा लोन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लॉगिन के लिए बोलेगा आपको, तो यहाँ पे लॉगिन करनी है, करना है तो लॉगिन पे क्लिक करना आप। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना। एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, आपकी ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आया होगा, ठीक है। यहाँ से रिफ़्रेश करोगे आप, ये आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया। यूज़र आईडी तो हमने बनाया था अपना और पासवर्ड यहाँ से हमें मिल जाता है। इन चीज़ों को यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद, ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली पासवर्ड वेरीफाई हो गया। अब दोबारा से हमें अपने पासवर्ड को स्टैंड अप इंडिया इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके हम यहाँ पे अपना फिर लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास फिर से एक तो नया यूज पासवर्ड आया होगा, या तो वो डालना है, नहीं आया आपके पास तो आप अपना पुराना ही पासवर्ड डालेंगे। मेरे पास न्यू पासवर्ड आया तो मैं न्यू पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये न्यू पासवर्ड है मेरा, लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालते ही यहाँ पे फॉर चेंज पासवर्ड का मांगेगा ये, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सबसे पहले चेंज कर लेना है। पासवर्ड जो भी आपका पहले में एग्जिस्टिंग पासवर्ड जो है वो डालना जो आपको मेल पर आया है, उसके बाद न्यू पासवर्ड जो भी आपको बनाना है वो चीज़ डाल लीजिएगा। वो डालने के बाद सेव एंड चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड चेंज करने के एक मिनट, ये यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के यहाँ पे सेव एंड चेंज कर देना है, ठीक है। सेव एंड चेंज करते के साथ ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा यहाँ पे।
पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड याद रखिएगा जो भी आपका, उसको ध्यान रखिएगा ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आना है अप्लाई, फिल एप्लीकेशन एंड फॉर्म अप्लाई, इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे चार स्टेप हैं, इन चारों स्टेप में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो फटाफट यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिकली फिल हुआ आएगा, अगर सेकंड पार्टनर है तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं। फादर नेम आपको यहाँ पे पूरा डालना है ठीक है। और नाम का ध्यान रहे, जो भी आपके आधार कार्ड पे जैसे नाम मेंशन है वैसे लिखना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, मिलता जुलता आधार कार्ड से नाम डालना है। यहाँ पे सारी डिटेल जो जो मांगा जा रहा है यहाँ पे सब कुछ फिल कर लीजिए। फादर नेम, आपकी कंपनी का क्या है, यहाँ पे आपका स्टेट वगैरह ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है आपको पूरा ठीक है अपना। एक मिनट, रेजिडेंशियल एड्रेस पे देना। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे नीचे पूछा है बिजनेस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस अगर सेम है जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वही, तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर अलग है तो आप यहाँ पे उस पर क्लिक की चेंज कर लीजिए उसको ठीक है। मेरे केस में सेम है तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँगा ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर दिया, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट नहीं किया है। सेकंड पेज ओपन हो गया अभी ठीक है। सेकंड पेज में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है ठीक है। आपको क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन के इसमें ना ध्यान रखना है आपको, जहाँ जहाँ पे भी ये आपको रेड मार्किंग दिखाई दे रही है ना, इन कॉलम्स को भरना आपके लिए मैंडेटरी है, इनको ज़रूर भरिएगा ठीक है। सोशल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर, ये दोनों डॉक्यूमेंट डालना आपको मैंडेटरी है। तो दोनों डॉक्यूमेंट आईडी आप डाल लीजिए यहाँ पे, जो आप जो भी आपकी डॉक्यूमेंट आईडी है ठीक है। वो डालने के बाद पहला यहाँ पे आपको डालना है न्यू बिज़नेस एंटरप्राइज, अगर आप न्यू आपका नया बिज़नेस है तो येस कीजिए, नहीं तो न्यू कर दीजिए। ऑलरेडी नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो येस, अगर पुराना है तो नो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, आप कंपनी किस फील्ड में है, सर्विस प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है, यहाँ पे वो करने के बाद आपका पूछेगा किस टाइप की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे कंसल्टेंसी वगैरह है, तो मैंने यहाँ पे कंसल्टेंसी सिलेक्ट कर लूँगा मैं ठीक है। कंसल्टेंसी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अभी हमारा थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। सेकेंड पेज ही, अभी सेकेंड पेज में हमने डेट ऑफ बर्थ ऊपर मेंशन की थी, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा तीसरा पेज ओपन हो गया है। आपके बिजनेस का एग्जिस्टिंग टर्नओवर क्या है, प्रपोजिट क्या है, ये चीज़ें डालनी है आपको ठीक है। एक्सपीरियंस इफ एनी, कोई एक्सपीरियंस कुछ हो रहा है वो डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डालना है, डालना होता है जो भी आपको लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, जो आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन करते समय जितना अमाउंट डाला था ना, उस अमाउंट से मैक्सिमम आपकी लिमिट नहीं जानी चाहिए यहाँ पे ठीक है। वो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो भी आपका टर्म रहेगा लोन का वो, फिर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी लोन अमाउंट आपको चाहिए वो एंटर कर लीजिए ठीक है, और कितने मंथ्स के लिए चाहिए वो एंटर कर लीजिए। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद लास्ट फॉर्म आता है हमारे पास, हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपलोड करना है ठीक है। आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर दीजिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास अवेलेबल है। आधार कार्ड फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद जो भी जो जो ऊपर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी क्रेडिट रेटिंग। तो आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट अपलोड करना होता है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार, या यहाँ पे जो ये लिंक दिया गया है आप इस पर क्लिक करके भी अपना क्रेडिट रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, और रेटिंग एजेंसी, ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है। आप चाहे तो इनको डाउनलोड करके डक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत है नहीं ठीक है। अब उसके बाद डू यू वॉन्ट
टू चूज़ एनी प्रेफर्ड लेंडर, आपको अपने हिसाब से किसी लेंडर को चूज़ करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपने बैंक को चूज़ कर रहा हूँ, क्यों बैंक हम अपना सिलेक्ट करेंगे, वो हमें जल्दी प्रोवाइड करेगा लोन, क्योंकि हमारी उसके साथ ऑलरेडी ट्रांजेक्शन चल रही है और हमारी वहाँ से अच्छी ट्रांजेक्शन हो गई, अच्छी लेन देन हो गई, हमारी बाउंसिंग नहीं होगी और हमारा सिविल स्कोर 750 प्लस होगा, तो ईज़िली हमें यहाँ से लोन मिल जाएगा। उसके बाद एक बार पहले आप अपने एप्लीकेशन को सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर दोबारा आप इसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एडिट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास दोबारा ये फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे सीधा आपको फोर्थ वाले पेज पे चले जाना है, स्टेप फोर्थ पे। स्टेप फोर्थ पे जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, सब कुछ चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद सबमिट माई डिटेल्स, यहाँ पे कह रहा है आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो अभी ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई और ये हमारी एप्लीकेशन नंबर मिल गया है हमें, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो उदय मिश्रा की वेबसाइट पे आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका जो भी अप्रूवल होगा, कंफर्मेशन होगा, वो आपको आपके बैंक से भी और MSME से भी मेल और SMS के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा, अगर आपका लोन अप्रूव्ड होता है तो। बाकी थोड़े थोड़े दिन पे आप अपना उदय मित्रा पे ट्रैक स्टेटस का एक ऑप्शन होता है उदय मित्रा वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप अपना चेक करते रहिएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि MSME लोन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तो बाकी का आगे का काम आपको सभी को पता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।